ये गाइस अंकिता है, रील्स पे पूरा फेमस छोटू सा। विद इन 4 से 5 महीनों के अंदर मैं ले लूंगा, एक ही ड्रीम बाइक है वो है ZX Terrain। ये वाला गाना आज रिलीज होगा गाइस, थोड़ी देर में लॉन्च होने वाला है हमारे विकास का गाना, 10,000 कमेंट। तो गाइस यात्रा गाने का इधर वो हो ही रहा था हमारे दिम्बू भाई दिखे। सो हियर इज गाइस NL ऑफ G3 ब्रो की खबर। समीरन भाई आ चुके हैं नेपाल से गेमिंग हाउस हसल हाउस में। मैंने एक क्लिक किया, यहाँ से भी फोटो प्रिंट होके निकल के आएगा ना। गाइस यहां से पेट्रोल पंप से मैंने रिफ्यूलिंग करवा लिया, और पहले मैं यहां से जा रहा हूं बेलतोला की तरफ हसल हाउस। गाइस आज हमारे विकास भाई का अपना गाने का आज प्रीमियर है। भाई ने कल रात को ही मैसेज किया कि भाई आज इसे प्रीमियर है, आओगे कि नहीं? हम लोग हाँ जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएगा, अपना भाई का गाना रिलीज हो रहा है। गाइस एक बार हाईवे पहुंच जाऊं तो फिर बढ़िया होगा। गाइस बहुत दिन हो गया कोई ट्रिप में जो है मैं गया नहीं, तो आप लोग गाइस कमेंट करो। मैं वेस्ट बंगाल का एक राइड का प्लान कर रहा हूँ, या फिर सिक्किम भी जा सकता हूँ। आप लोग बताओ कि मैं सोलो राइड करूँ या फिर ग्रुप राइड करूँ, मतलब ग्रुप में जाऊँ या फिर एक सोलो राइड में करके आऊँ। बिकॉज आप लोग भी बहुत बोल रहे हो कि अश्विन भाई कहीं राइड में जाओ, तो एक राइड का प्लान करते हैं कम से कम 4-5 दिनों का। अरे बाप रे बाप, अभी लगता। हाँ ब्रो गाइस हम लोग हाईवे आके पहुंच चुके, बहुत ट्रैफिक था यार। ओरे भाई ये देख रहे हो ब्रिजेस का काम, ये जब खत्म हो जाएगा ना इधर ट्रैफिक का कोई सीन ही नहीं रहेगा। हाईवे पर पहुंच के जो शांति मिलता है ना, अलग से ही सुकून मिलता है। यहाँ से ज्यादा नहीं, मेरे को बस 4-5 किलोमीटर के आसपास जाना है। सो गाइस ZX Terrain का जो नया वाला जो मॉडल है ना, वो लेने का बहुत ज्यादा मन करता है। लाइक सुपर बाइक बोले तो एक ही ड्रीम बाइक है वो है ZX Terrain। हाँ उसके ऊपर अगर औकात से बाहर, मतलब ZX Terrain भी अपने औकात के भी बाहर है, अगर उससे भी औकात के बाहर बोले तो निंजा H2 ये तो बहुत ऊपर चला गया। फर्स्ट जो अपना जो फेवरेट सुपर बाइक है वो है गाइस ZX Terrain, और नया वाला मॉडल तो इतना सेक्सी लगता है गाइस देखने में, लेने का तो बहुत ज्यादा मन करता है। लेकिन जेब की तरफ भी देखना पड़ेगा, कम से कम 18 लाख रुपए के आसपास आता है अगर रुक जाओ ट्रक वाले भैया। अरे तो 18 और साथ में अगर एग्जॉस्ट वगैरह लेके 20 लाख पकड़ लो उस वाले बाइक के लिए, तो उतना गाइस अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इस बाइक को मैं अभी अफोर्ड कर पा रहा हूँ आप लोग जितना प्यार दे रहे हो। अगर आप लोग हर एक वीडियो में 1-1 लाख व्यूज अगर देते हो ना, विद इन 4 से 5 महीनों के अंदर मैं ले लूंगा। जितना अभी व्यूज आ रहे हैं ना उसमें ZX Terrain लेना अभी पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है गाइस आप लोग भी बहुत ज्यादा वेट करते हो कब SBN फैमिली में ZX Terrain आए, तो ये आप लोग ही पॉसिबल करवा सकते हो गाइस। अगर आप लोग ढेर सारा प्यार देते हो, वीडियोस को शेयर करते हो, लाइक कमेंट कर देना यार, बस एक ही काम करना, वीडियोस में लाइक और शेयर कर देना। अगर 10-15 हजार के आसपास लाइक जाते हैं ना, तो यूट्यूब इसको बहुत ज्यादा पुश करता है। हाईवे पर भी ट्रैफिक गाइस, क्या बोलेंगे वो लोग। आज मैं ग्लव्स पहन के नहीं आया, सोचा कि इधर से इधर ही आ रहा हूँ छोड़ो, लेकिन ग्लव्स पहन के ये सब बाइक चलाने में और कंफर्टेबल फील होता है। देख रहे हो गाइस इधर भी ब्रिज बन रहा है। फाइनली परचेस करने का मेरा गाइस 2 रीजन था, एक तो है ये मेरे बजट में फिट बैठ रहा था और अच्छे कंडीशन में भी मिल रहा था, और साथ ही साथ मुझे जो इनलाइन 4 का साउंड चाहिए था। जिला का सब्सक्राइबर है, धोखाधड़ी हो गया गाइस, पीछे से हॉर्न मारा था, मेरे को लगा सब्सक्राइबर है। रोड बन रहे गाइस, गुवाहाटी में भी रोड बन रहे चौड़े। भाई जगह देखो ना, पहचानने में नहीं आ रहा है कि कौन सा जगह पे मैं आ गया, बेलतोला आ गया है, फिर क्रॉस करेगा कुछ पता नहीं चल रहा है। गाइस आज है 20 नवंबर, और आज है गाइस वर्षापुरा स्टेडियम में लकी अली सर का शो, तो शो का टिकट तो काफी पहले से हम लोगों ने बुक करके रखा था, तो आज जाएंगे शाम को। तो गाइस हम लोग आके पहुंच चुके हैं हसल हाउस। देख रहे हो गाइस ये वाला गाना आज रिलीज होगा विकास भाई का, जो कि नाम है यात्रा। हर जगह ये भाई ने पूरा आसाम में पोस्टर लगाया है पूरा एकदम भाई के सब्सक्राइबर लोगों ने। अभी लिफ्ट आ चुका है, ऊपर चलते 6th फ्लोर। तो गाइस हसल हाउस के ऊपर आके पहुंच चुका था। ये देखो पूरा ना, यहाँ पर पूरा प्लेग्राउंड है, अभी सब लोग इधर खेल ही रहे थे, मैं जस्ट कैमरा ऑन किया, अभी अंदर चलते गाइस। गाइस थोड़ी देर में लॉन्च होने वाला है हमारे विकास भाई का गाना, 10,000 कमेंट 2 घंटे में ना, 10,000 कमेंट चाहिए। SBN तो गाइस यात्रा गाने का इधर वो हो ही रहा था हमारे दिम्बू भाई दिखे। तो दिम्बू भाई क्या करने आए हो आज? आज मैं मेनली खाना खाने और दोस्तों को खाना और सुना है सागोली का मांखो बना है, वो सागोली का मांखो बना है इधर, और इधर पल्लवी मैम, और इधर हमारे छोटू सा बहन जो रील्स पे बहुत फेमस है, और हमारे अंकित सर वाटरफॉल। तो वाटरफॉल है ब्रो, गुरु बाइक को ना हम स्कूटी ले
तो फाइनली गाइस मैं जिस काम के लिए आया था वह है खाने के लिए। तो इधर खाना आ चुका है तो अभी खाते हैं। बहुत सारा कुछ एकदम लिया है मैंने, ये चिकन टिक्का सबसे बढ़िया लगा मेरे को तो यही मैंने ज़्यादा करके लिया है। तो अभी खाते हैं एंड भाई देख सकते हो माहौल, सब लोग खा रहे हैं अभी। सो गाइस देख सकते हो समीर एंड भाई आ चुके हैं नेपाल से एंड गुड टू सी यर मैन। एसबीएन भाई से बहुत दिनों के बाद मिले तो हम लोग मिलते रहते। आज थोड़ा सा हम यात्रा के गाना रिलीज हो गया मतलब मेरे को तो लगा था ये अभी भी वहाँ पर है लेकिन उसके बाद विकास भाई के वीडियो में देखा। मैं परसों रात को पहुंच गया था, मैं नेपाल से सीधा भाई बंदे ने जो सपोर्ट दिखाया है ना उधर, बिजी रहा ना उधर, टोटल एक महीना हो चुका था मेरे, एक महीना हमारे पाजी के साथ ही था भाई। सो हियर इज गाइस एनएल ऑफ G3 ब्रो की खबर बढ़िया। ए ब्रो की खबर रो नेक्स्ट वीडियो केटिया हिय से ए ब्रो तू किमान नंबर राउंड थर्ड राउंड ना फोर्थ राउंड एडो मतलब कुछ भी। सो गाइस ये दो मेहमान काफी पहले आ चुके थे लेकिन अभी दिखा रहे, खाना पीना हो चुका है ना, कम से कम 3-4 बार लिया दोनों ने। हाँ ये गाइस अंकिता है, रील्स पे पूरा फेमस छोटू सा बहन। हाँ मैंने तो कभी नहीं देखा इनको। चलो फिर अभी खाना पीना हो गया फिर निकलते हैं अभी फिलहाल। वेलकम 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 दिया मौला सुदिया एकदम। गाइस ये देख सकते हो ये है गेमिंग हाउस हसल हाउस में, देख सकते हो बच्चे लोगों के लिए एकदम हेवन, देख रहे हो गाइस सारे गेम्स है इधर। सो गाइस देखो यहाँ पर जो है ना ऐसे एकदम फोटो क्लिक कर सकते हो, मैंने एक क्लिक किया यहाँ से भी फोटो प्रिंट होके निकल के आएगा ना। ओके देखते हैं चलो लेट्स सी कैसा बन के आता है। चलो ओके प्रिंट होके आ भी चुका है गाइस, ये देखो वाओ एकदम इंस्टेंट, थैंक यू सो मच। देख सकते हो गाइस यहाँ पर मसाज वगैरह लो तो ऐसे मसाज वगैरह भी ले सकते हो, वीआर में गेम भी खेल सकते हो, इधर बच्चों के लिए तो हेवन प्लेस है ब्रो, ऐसे खेल सकते हो ये बच्चे लोगों के लिए। ये तो वहाँ से गाइस हम लोग निकल चुके हैं और देखो ना आया था सुबह को और हो चुका है शाम, मतलब टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला बिकॉज बहुत सारे क्रिएटर्स वहाँ पर था तो बात करते करते टाइम निकल गया। आवाज सुन रहे हो सामने की तरफ का व्यू देख रहे हो गाइस क्या बढ़िया लग रहा है, देखा ग्रे रेड ऑरेंज सब मिक्सअप है, क्या बैकफायर मार रहा है गाइस पीछे से।